नेक्स्ट नाइन न्यूज़ आज बात करने वाले हैं मायावती को लेकर। जी हाँ, मायावती एक बार फिर से ट्विटर पर जिस तरीके से अखिलेश यादव और भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए नजर आ रही हैं, उससे ये कहा जा सकता है कि मायावती फिर से अपनी पार्टी का जनाधार बचाने के लिए फिर से एक ऐसे मुद्दे पर एक्शन लेते हुए नजर आ रही है जिसके बारे में अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ ने सोचा भी नहीं था। जी हाँ, अंगेश यादव के मामले में जिस तरीके से मायावती ने मुखर होकर बोला है और उन्होंने कहा है कि चोर चोर मौसेरे भाई, यानी भारतीय जनता पार्टी और अखिलेश यादव, क्योंकि अखिलेश यादव ने जब से मंगेश यादव का मुद्दा निकल कर आया है वो तमाम तरीके के सवाल भारतीय जनता पार्टी पर उठाते हुए नजर आए और यही कारण है कि अब मायावती ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। वहीं चंद्रशेखर आजाद कांग्रेस पार्टी से राहुल गांधी जिस तरीके से मुखर होकर योगी आदित्यनाथ के ऊपर सवाल करते हैं, उसके बाद मायावती भी पीछे नहीं रहती है, वो भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए नजर आती है। हालांकि इस बार के उपचुनाव से पहले इस तरीके की घटना होना कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के लिए ही नहीं बल्कि तमाम पार्टियों के लिए वाद प्रतिवाद का जो दौर है वो जारी है। ऐसे में इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगाना कहीं ना कहीं बहुत आम सी बात है, लेकिन इस बार योगी आदित्यनाथ भी उसमें पीछे नहीं है। अखिलेश यादव के भरे मन से फटकार लगाते हुए नजर आते हैं और बार बार ये कहते हैं कि जिस तरीके से गुंडा माफियाओं का राज था सपा सरकार में और सपा ने उन तमाम गुंडों को बढ़ावा दिया जो हमने रोकने का काम किया, ऐसे में क्या उन गुंडों की हमदर्द है सपा पार्टी? इस तरीके की तमाम बातें कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आते हैं। और जाहिर तौर पर अगर देखा जाए तो ये जनता पार्टी में जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है तब से कहीं ना कहीं उन्होंने जब से ये बोला था कि मिट्टी में मिला दूंगा, शायद देखना जाए तो वही काम होता हुआ नजर आया। तमाम उन गुंडे माफियाओं का जो राज था वो खत्म होता हुआ नजर आया। आतिक अहमद मुख्तार अंसारी के जरिए जिस तरीके से सपा में उनका दबदबा देखा जाता था उसको योगी आदित्यनाथ ने खत्म करने का काम किया, लेकिन क्या ये बात जनता को रास आएगी? जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर पर अखिलेश यादव सवाल उठाते हुए नजर आए, मायावती सवाल उठाती है और वही चंद्रशेखर आजाद, रावण, कांग्रेस पार्टी, तमाम पार्टियां जो सवाल उठा रही है कि बुलडोजर की जो नीति है योगी आदित्यनाथ की सही नहीं है। वही सुप्रीम कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं बीजेपी को हिदायत दी थी कि इस तरीके की गतिविधियां कानून के दायरे में नहीं आती हैं और इससे बचकर कार्य करना चाहिए, बुलडोजर किसी भी मसले का हल नहीं हो सकता है। और अगर पूरा समीकरण समझा जाए तो कहीं ना कहीं इस बात से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो बदलती हुई नजर आ रही है। उसके साथ साथ अगर पूरा माहौल जो चुनावी माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं फंसते हुए जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही अगर देखा जाए तो मायावती जिस तरीके से मुखरता के साथ अपनी बात रख रही है भारत बंद पर उन्होंने, लेकिन ये बात जो रखती है हमेशा ट्विटर के माध्यम से रखती है और जो कहीं ना कहीं उनके लिए वो जनाधार नहीं क्रिएट कर पा रहा है, जो वो जादू नहीं ला पा रहा है जो चंद्रशेखर आजाद रावण ने इतने कम समय में अपने लिए बना लिया है। अगर मायावती उन तमाम समीकरणों को फिर दोहराने का प्रयास कर रही है जो चार बार वो मुख्यमंत्री पद के दौरान कर चुकी है, रह चुकी है, क्योंकि एक बार फिर से मायावती का वही दौर, पुराना दौर चालू होता हुआ नजर आ रहा है। मायावती सर्वजन सुखाय, सर्वजन हिताय पर फिर से काम करती हुई नजर आ रही है, लेकिन क्या इसका फायदा देखने को मिलेगा? क्योंकि मायावती इस बार जिस तरीके से अखिलेश यादव के ऊपर फटकार लगाती हुई नजर आई और इंडिया गठबंधन को जिस तरीके से वो कहीं ना कहीं फॉलो नहीं कर पा रही है, उन्होंने कहा था कि वो गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन अखिलेश यादव लगातार इसी प्रयास में है कि मायावती उनके साथ गठबंधन कर ले, और जब वो गठबंधन नहीं करना चाह रही है तब भी अखिलेश यादव अभी भी प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब जो उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है उससे ये कहा जा सकता है कि मायावती अब अपना रुख कहीं ना कहीं इन बयानों के जरिए साफ करने की कोशिश कर रही है कि वो इंडिया गठबंधन और अखिलेश यादव के साथ नहीं गठबंधन पर मुहर लगाएंगी ना गठबंधन करेंगी, कहीं ना कहीं ये बात अब इस बात से पक्की होती हुई नजर आती है। वहीं भारत बंद के मुद्दे पर जो राजेश चौधरी जिस तरीके से मायावती के ऊपर बयान देते हुए नजर आए, उन तमाम मुद्दों पर कहीं ना कहीं मायावती घिरते हुए नजर आई थी और अखिलेश यादव उनका समर्थन करते हुए नजर आए, उससे माना जा रहा था कि गठबंधन हो जाएगा, लेकिन फिर अचानक से दोनों की अनबन से अब ये लग रहा है कि मायावती ने अपना स्टैंड जो है वो क्लियर कर दिया है कि वो किसी के साथ गठबंधन में नहीं जाएंगी। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार मायावती और अखिलेश यादव का आने वाले दिनों में क्या समीकरण बनने वाले हैं, क्या इन दोनों का गठबंधन होगा या फिर दोनों अलग अलग राहें चुनते हुए नजर आएंगे लोकसभा चुनाव। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा। आपको क्या कुछ लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट टाइम पर।